दरअसल साल 2020 हमेशा सभी को याद रहने वाला है। लॉकडाउन और कोरोना ने जिस तरह से तमाम इंडस्ट्रीज को चौपट कर दिया, उससे तो ये साल कोई भी भुलाए नहीं भुला पाएगा। लेकिन इसी के साथ टीवी इंडस्ट्री में 6 ऐसी शादियां भी हुई जिन्हें देखकर लोग भी हैरान हुए और जमकर सुर्खियों में रहे। कौन सी हैं वो 6 शादियां बताते हैं आपको। नेहा कक्कड़। भाई नेहा कक्कड़ की शादी की खबर ने कैसे पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया था, ये तो सभी अच्छे से जानते हैं। नेहा ने रोहन प्रीत से अपनी शादी को बेहद ही सीक्रेट रखने की कोशिश की, लेकिन 24 अक्टूबर को दोनों ने सीक्रेट रिवाज से शादी की और एक दूसरे के हो गए। नेहा की शादी तो लाइमलाइट में थी ही, साथ ही उनकी वेडिंग आउटफिट भी खूब सुर्खियों में रही थी। शाहिद शेख। वेल शाहिद शेख ने भी इस साल अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड से शादी कर ली। हालांकि दोनों ने अपनी शादी धूम धड़ाके से ना करते हुए सिंपल कोर्ट मैरिज की थी, लेकिन उन्होंने भी अपनी शादी की खबर को सीक्रेट रखने की काफी कोशिशें की। आदित्य नारायण। वेल नेहा कक्कड़ की शादी की खबर सामने आने के बाद ही आदित्य ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट करके सभी को हैरान कर दिया था और बताया था कि वो और श्वेता 10 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और अब दोनों शादी करना चाहते हैं। दोनों ने 1 दिसंबर को हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी और इस शादी में दोनों के परिवार वाले और खास दोस्त ही मौजूद थे। नीति टेलर। नीति टेलर ने भी अपनी शादी की खबर से सबको हैरान कर दिया था। नीति ने अपने बचपन के दोस्त परीक्षित बाबत से 13 अगस्त को शादी की थी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी की जानकारी काफी टाइम बाद रिवील की थी, जिससे उनके फैंस काफी हैरान रह गए थे। सना खान। वर्ल 2020 नवंबर को जब सना ने मुफ्ती अनस से शादी करके बाद में अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के साथ साथ टीवी इंडस्ट्री भी हिल गई थी। आपको बता दें कि अनस गुजरात के रहने वाले हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, और सना से उनकी मुलाकात बिग बॉस 7 के कंटेस्टेंट एजाज खान के जरिए हुई थी। और गौहर खान। वेल गौहर खान की शादी की खबरें भी इस साल खूब लाइमलाइट में रही। 22 दिसंबर से शुरू हुई दोनों की शादी की रस्मों की तमाम फोटोज और वीडियोज खूब लाइमलाइट में रही और दोनों की इस शादी में सिर्फ करीबी रिश्तेदार और परिवार वाले ही शामिल हुए थे।